हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिक्स टेस्ट का टॉपिक शेविशेव इनक्वालिटी एंड लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने शेविशेव इनक्वालिटी की डेफिनेशन एंड थ्योरम की थी। शेविशेव इनक्वालिटी स्टेट एंड प्रूव शेविशेव इनक्वालिटी, देन उसकी सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की थी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, और ये एग्जाम्पल आपको 6 मार्क्स में आ सकती है। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 की डेफिनेशन क्या थी? स्टेटमेंट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। फंक्शन क्या गिवन था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर -x, वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, अदरवाइज 0। हमने प्रूव क्या करना था, सॉरी फाइंड क्या करना था? लोअर बाउंड टू पी ऑफ x-2 मॉड ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 2 बाय शेविशेव इनक्वालिटी। यहां पे लोअर बाउंड है तो हमने लोअर बाउंड का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि शेविशेव इनक्वालिटी के हमारे दो फॉर्मूले थे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है दैट मीन्स अपर बाउंड, अगर लेस देन है देन लोअर बाउंड। तो हमने फॉर्मूला किसका लगाना है? लोअर बाउंड का। पी ऑफ मोड ऑफ x-μ लेस देन के सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 1-1 अपॉन के स्क्वायर। देन फॉर्मूला लगाने के लिए हमने म्यू की वैल्यू निकाल दी थी, सिग्मा स्क्वायर फाइंड करने के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया था, देन ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर में पुट कर दी थी। नाउ अब हमने यहां से स्टार्ट करना है बाय शेविशेव इनक्वालिटी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट वीडियो है। नाउ शेविशेव इनक्वालिटी की हमारा फॉर्मूला ये था, पी ऑफ मोड ऑफ x-μ लेस देन इक्वल टू मतलब लोअर बाउंड, के सिग्मा ग्रेटर देन 1-1 अपॉन के स्क्वायर। देन यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा की, सिग्मा की वैल्यू क्या है? √2। अब हमारा के क्या है? पैरामीटर है। देन के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको इजी ट्रिक बताई है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? पी ऑफ मोड ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 2। देन 2 और √2 के को कंपेयर कर दिया तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 2/√2। रूट को खत्म करने के लिए हमने रैशनलाइज कर दिया तो √2 × √2 = 2। 2 के साथ 2 कैंसिल तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई √2। ये k हमारे पास क्या है? पैरामीटर है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी k की, √2 × √2 = 2 ग्रेटर देन 1-1 upon √2। रूट के साथ स्क्वेयर कैंसिल तो हमारे पास बच गया 2। 1-1 upon 2 = 1/2। तो हमारे पास लोअर बाउंड की वैल्यू आ गई 1/2। हैंस 1/2 इज ए लोअर बाउंड टू पी ऑफ मोड ऑफ x-2 < 2। नाउ क्वेश्चन में अब हमें क्या बोला है? ऑल्सो कंपेयर इट विद एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। तो हमने फाइंड करनी है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी किसकी? पी ऑफ मोड ऑफ x-2 > 2। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले हमें लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट इसको सेपरेट कर दिया, -2 > x-2 > 2। माइनस को फिनिश करने के लिए दोनों साइड 2 प्लस कर दिया, 2-2 = 0, 2 + 2 = 4। और यहाँ पे क्या रह गया? x, तो x की वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3, 4। देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। पी ऑफ एक्स 0 की, x की वैल्यू जब 0 है तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल है? 1/2 के। ऐसी x इज इक्वल टू 1 के लिए 1/2, x इज इक्वल टू 2 के लिए 1/2 स्क्वायर, 3 के लिए 1/2 की पावर 3 एंड 4 के लिए 1/2 की पावर 4। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू a(1 - r)² (1 - r) इफ r < 1। अगर r > 1 होता तो r n - 1 (r - 1) जो हमने 10th क्लास में किया था। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2, और r की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे पुट कर दी, देन सॉल्व करके आ गया हमारे पास 15/16। नाउ 6th एग्जाम्पल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 2 unbiased dice are thrown। हमारे पास क्या है? 2 unbiased dice हमने थ्रो की। डाइस क्या होते हैं? जहां पे 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ऐसे 2-1, 2-3, 2-4,
अप टू सो ऑन 66 तक को होते हैं, टोटल कितने होते हैं 36। इफ एक्स इज द सम ऑफ द नंबर्स, एक्स क्या है हमारा सम ऑफ द नंबर, टोटल सम कितना है 1 + 1 = 2 और हाईएस्ट क्या है 6 + 6 = 12, सो लोअर है हमारा सम 2 और हाईएस्ट 12। शो दैट पी ऑफ एक्स माइनस 7 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, दैट मीन्स हमने किसका फॉर्मूला लगाना है, अपर बाउंड का, लेस देन इक्वल टू 35/34। कंपेयर विद एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने एग्जाम्पल फाइव में एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकाली है, वैसे हमने यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स पी ऑफ एक्स। अगर हमारा सम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन 12 हुआ तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर टू सम 2 है तो हमारे पास एक ही बनेगी पॉसिबिलिटी 1, 1, क्योंकि 1 + 1 = 2, तो 1/36 टोटल हमारे कितने होते हैं 36। ऐसे जिसका सम 3 हुआ वो कितने होंगे 1, 2, 2, 1, दैट मीन्स 2, 36। ऐसे 4 की प्रोबेबिलिटी 3/36, 5 की 4, 5, 6, 7, देन फिर से डिक्रीज हो जाती है 5, 4, 3, 2, 1, नीचे क्या आ जाएगी इसकी टोटल। नाउ म्यू कैसे फाइंड करेंगे, ई ऑफ एक्स म्यू किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। समेशन एक्स हमारा कहां से वेरी कर रहा है, 2 से लेकर 12 तक, एक्स पी ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है ई ऑफ एक्स का, समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1/36 + 3/2/36 अप टू सो ऑन 12 × 1/36। सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 7। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नाउ ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमने सिग्मा स्क्वायर दैट मीन्स वेरियंस फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, जैसे हमने 2, 3, 4 लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2² 3² 4² अप टू सो ऑन 12² देन पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इनकी मल्टीप्लीकेशन 1/36 2/36 देन इसको सोल्व कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 329/6। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी तो सोल्व करके आ गया 35/6। अब हमने अपर बाउंड का फॉर्मूला लगाना है बाय चेबीशेव इनइक्वालिटी, पी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा लेस देन इक्वल टू 1/k². अब म्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और सिग्मा की वैल्यू आई है 35/6 और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट क्या आ गया प्लस माइनस आएगा, बट हमें प्रोबेबिलिटी पता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू मैंने आपको कैसे सिखाई है, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 3, तो दोनों को कंपेयर कर दो, यहाँ पे आ जाएगा के रूट 35/6, तो दोनों को कंपेयर किया तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये ऊपर चल जाएगा 6/35 रूट, तो k की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे k की वैल्यू और रूट 6 के साथ रूट 6 कैंसिल, 35 के साथ 35 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 3, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 1/k² इज 3, 3 = 9, क्योंकि 1/ आएगा ना तो इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, तो 3, 3 = 9 × 6 35 हमारा ऊपर। नाउ ये किसी की टेबल पे नहीं कैंसिल हो रहे तो 35/54। सो यही हमने प्रूव करना था। नाउ एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ एक्स माइनस 7 मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 - और यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो गया, देन इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम लिख सकते हैं -3 < x - 7 < 3, -7 को खत्म करने के लिए दोनों साइड 7 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे रह गया x, 7 - 3 = 4 < x < 7 + 3 = 10, अब यहाँ पे लेस देन है तो
x की वैल्यू आ जाएगी 5, 6, 7, 8, 9। देन 5 पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 4/36 और 6 पे 5/36, 7 पे 6/36, 8 पे 5/36, 9 पे 4/36। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 24/36। माइनस किया तो 36 - 24 = 12, 12/36 इज 12, 1 = 12, 12, 3 = 36, तो 1/3 आ गई हमारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। लास्ट एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 6 मार्क्स। और जो ये दो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल 7 क्या है हमारी, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं MGF, और इसकी नोटेशन क्या होती है M(t). टी लाइज बिटवीन -H to H। प्रूव करना है हमने P(x)= A, ग्रेटर देन मतलब अपर बाउंड, (e)(-at) M(t), वेयर टी लाइज बिटवीन 0 to H। सेकेंड हमने प्रूव करना है P(x)= A, लेस देन मतलब लोअर बाउंड, (e)-at M(t), इफ टी लाइज बिटवीन -H to 0। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे जो चेबीशेव इनइक्वालिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, P(μ(u)(x)= C, (e)(u)(x)/C, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। ये देखो हमारे जो चेबीशेव इनइक्वालिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट u(x) बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x, इफ e(u)(x) एग्जिस्ट देन फॉर एवरी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी P(u)(x)= C, (e)(u)(x)/C। तो हमने जो चेबीशेव इनइक्वालिटी है उसका डेफिनेशन यूज कर ली। नाउ यहां से हमने सी को कंपेयर किया तो सी की वैल्यू ले ली e की पावर 8t, क्योंकि यहां पे रेसिप्रोकल है, तो इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो e की पावर -8t आ जाएगा। अब u(x) हमने टेक कर लिया e की पावर tx, तो यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, तो e के साथ e कैंसिल, यहां पे हमने कैंसिल करके नहीं दिखाना है, सीधा आपने क्या लिख देना है इम्प्लाइज डालकर P(tx)= 8t, (= इसको ऊपर ले आएंगे e की पावर -8t m(t). नाउ अब हम t को कैंसिल करने के लिए हमारे पास t की लिमिट्स है, अगर 0 से लेकर h तक हुई दैट मीन्स t की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हमारा जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा P(x)= A, (e)−8t m(t). अगर t की वैल्यू नेगेटिव हुई तो कैंसिल करने पे हमारा जो सिंबल है वो चेंज हो जाते, तो >= चेंज हो गया हमारा (p(x)= A, (e)−8t m(t). नाउ ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया हो, क्योंकि t की वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव है, अगर कैंसिल भी करेंगे तो हमारा जो सिंबल है >= वो चेंज होके >= में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, लेट MGF(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ t, जो हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, एंड इज गिवन बाय मूवमेंट जनरेटिंग, हमें क्या फंक्शन गिवन है e की पावर t - e की पावर -t/2t, इफ t नॉट इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 देन वैल्यू इज 1। शो क्या करना है हमने, P(x)= 1 इज इक्वल टू 0, P(x)= -1 = 0। तो सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। अब हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, ग्रेटर देन का चाहिए, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया वो हमने फॉर्मूला ले लिया, और a की वैल्यू क्या लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लेकर आना है, तो P(x)= 1 > e की पावर -t m(t). m(t) की वैल्यू हमारे पास ये है तो पुट कर देंगे, सो यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट कर दी, इसको अंदर ले आते हैं e की पावर -t + t इज e की पावर 0, e की पावर 0 = 1, -e की पावर -t - t इज e की पावर -2t, -t - - + तो हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1 = 2, 2t / t। अगर हमारा जो t है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/∞ = 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0।
अब ये अप्रोच कर रहा है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू जीरो। ऐसे हमने नेगेटिव वैल्यू प्रूव करनी है कि p x लेस देन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने जो सेकंड फॉर्मूला है फर्स्ट पार्ट का, ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेकर आना है। तो फिर से a की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर t एम टी, एम टी की वैल्यू पुट कर दी, e की पावर t माइनस e की पावर माइनस सी अपॉन टू टी, e की पावर t प्लस सी इज टू टी माइनस e की पावर t माइनस सी इज जीरो, e की पावर जीरो इज वन अपॉन टू टी। फिर से हमने t को इन्फिनिटी पे अप्रोच किया तो वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इज जीरो, वैसे तो माइनस जीरो आना था बट यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं, तो फिर से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था शेविशेव इनक्वालिटी, उसकी डेफिनेशन थ्योरम एंड एग्जांपल्स कंप्लीट होती हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग थ्योरी करेंगे।